जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की खरीद को दी मंजूरी। आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को सिक्योर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने साइन किया 500 करोड़ रुपीस तक का कॉन्ट्रैक्ट। गलवान वैली क्लैश के 3 साल होने पर एलएसी के साथ टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने कंडक्ट करी एक खास मीटिंग। पुंछ सेक्टर में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम करी घुसपैठ की एक कोशिश, और अब यूएन अपनाएगा वीरों को सम्मान देने वाला भारत का तरीका। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने उन 20 वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जो आज के दिन 2020 में गलवान वैली क्लैश में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये देश हमारे इन वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनकरणीय रहेगा। और आज कमेंट सेक्शन में बजरंग बली की जय और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल ये लिखना ना भूलें। भारत और अमेरिका प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील को फाइनल करने के और भी करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक आज 15 जून को DAC की मीटिंग के दौरान भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से इन प्रेडेटर ड्रोन्स वाले डील को अप्रूवल दे दिया गया है। और अब रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के बाद इस डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। और बाकी जैसे कि पहले के डिफेंस अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि जो प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने वाली डील है, तो शुरुआत में यह तय हुआ था कि इसके तहत टोटल 30 ड्रोन्स लिए जाएंगे, यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए 10 ड्रोन्स ईच। लेकिन फिर बाद में इसमें कई सारे रिविजन किए गए और उन रिविजन के बाद इन ड्रोन्स की संख्या को 30 से घटाकर 18 तक कर दिया गया था। लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत है वो इन प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की वास्तविक योजना के साथ ही आगे बढ़ सकता है, यानी कि भारत 18 नहीं बल्कि 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को ले सकता है जैसा कि सबसे पहले तय किया गया था। बाकी इस डील में इंडियन नेवी लीड एजेंसी है और सर्विलेंस ऑपरेशंस के लिए करीब 15 ड्रोन्स मैरिटाइम फोर्स को ही दिए जा सकते हैं, यानी कि नेवी को। और इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स इसी सेम टाइप के मीडियम एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स को स्वदेशी सोर्सेज से लेने की योजना भी बना रही है। और जबकि लाइफ इज डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने करीब 18 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील को मंजूरी दी है, और ये पूरी डील करीब 2 से 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक की रहने वाली है। और इस डील में ड्रोन्स के साथ इसके वेपन सिस्टम्स और अदर पेलोड भी शामिल रहेंगे, और इन ड्रोन्स में हथियारों के 2 अलग अलग वर्जन्स के मिक्सचर को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेडेटर ड्रोन्स खास क्यों हैं और कैसे काम करते हैं, तो इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाई है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफेंस इक्विपमेंट की स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में स्थित प्राइवेट सेक्टर फर्म आईकॉम टेली लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है लगभग 500 करोड़ रुपीस, और इसके तहत आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और मजबूत करने के लिए करीब 1035 5 से 7.5 टन तक के रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर्स को खरीदा जाएगा, और इन कंटेनर्स की डिलीवरी इसी करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से शुरू करने के लिए शेड्यूल की गई है। और रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो रेडियो रिले कंटेनर्स हैं, तो ये आर्मी की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी, और ये कंटेनर्स आर्मी के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को एक ऐसा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो फील्ड सेफ और रिलायबल मैनर में काम करते रहें। इन कंटेनर्स को ऑथोराइज स्पेशलिस्ट व्हीकल्स पर माउंट किया जाएगा और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार ये मूव करेंगे, और इन कंटेनर्स को प्रोड्यूस करने के लिए सारे इक्विपमेंट और सारे सब सिस्टम्स स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स से ही सोर्स किए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि इस तरह के अत्याधुनिक इक्विपमेंट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज गलवान वैली क्लैश के 3 साल होने पर पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ डिप्लॉयड आर्मी के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स ने एक खास मीटिंग कंडक्ट करी थी, और इस मीटिंग के दौरान इस रीजन में हमारे तैयारियों को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ ऑपरेशनल डिस्कशंस कंडक्ट किए गए। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, 14 कोर कमांडर और 1 स्ट्राइक कोर कमांडर भी शामिल थे। और आपको बता दें कि गलवान वैली क्लैश के बाद से क्षेत्र में भारत द्वारा मल्टीपल नए फॉर्मेशन डिप्लॉय किए गए हैं ताकि भविष्य में चीन की इस तरह की किसी भी एग्रेशन को और भी प्रभावी तरीके से काउंटर किया जा सके। और आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी गलवान क्लैश में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। और भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि हमारे इन वीरों का साहस, इनकी वीरता और इनका सर्वोच्च बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। और 2020 से लेकर अभी तक LAC के साथ भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सर्विलियंस कैपेबिलिटीज़ और अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़, तो इन सभी को बढ़ाया है। और पूरी LAC के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और सोर्सेज का ये कहना है कि इसके साथ भारत का मेन फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंशियल को कम करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो चीन और भारत के बीच एक फ़र्क है
उसको जितना कम हो सके उतना कम करना। और सोर्सेज के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलियंस और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्हेंस करने का जो ओवरऑल एफर्ट है तो वो पूरी तरह से भारत सरकार के अप्रोच पर आधारित है। और बाकी आपको ये भी सूचित करते हैं कि इस गलवान क्लैश के 3 साल होने पर हमने अपनी डिफेंस ज्ञान सीरीज पर गलवान से संबंधित एक ऐसी खास वीडियो अपलोड करी है और जिसमें हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करी है जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस डिफेंस अपडेट के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने पहाड़ी इलाकों के लिए न्यूली इंडक्टेड लाइट व्हीकल, हाई अल्टीट्यूड ड्राइविंग एंड हाई मोबिलिटी व्हीकल और एम्यूनेशन लोडिंग के लिए क्रेन, तो इन सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को भी इंस्पेक्ट किया था। कल रात को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में LOC पर आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास को नाकाम किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान इंसिडेंट साइट से भारी मात्रा में वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए जिनमें AK-47, उनके एम्यूनेशन, चाइनीज ग्रेनेड्स, नाइफ, पिस्टल्स और ऐसी अन्य चीज़ें भी शामिल हैं। और जबकि इसके अलावा इस महीने जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ एरिया से एक मेजर नार्को मॉड्यूल को बस्त किया गया। इस दौरान 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और करीब 44 किलोग्राम तक के हेरोइन के साथ वेपन्स भी रिकवर किए गए। और जो वेपन्स रिकवर किए गए उनमें AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, 8 ग्रेनेड और करीब 13.2 लाख रुपए भी शामिल थे। और ये जो मॉड्यूल है ये ऑर्गेनाइज मैनर में ऑपरेट कर रहा था और इसके द्वारा नार्कोटिक्स जम्मू कश्मीर से बाकी अन्य राज्यों में भी ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि UN जनरल असेंबली ने UN पीस कीपिंग मिशन के तहत वीर गति को प्राप्त हुए वीरों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स तो यहाँ पे मेमोरियल वॉल को स्थापित करने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। और मेमोरियल वॉल को स्थापित करने वाला जो प्रस्ताव था ये भारत की तरफ से पेश किया गया था और भारत के इस प्रस्ताव को 193 मेंबर स्टेट्स में से 190 मेंबर स्टेट्स का सपोर्ट मिला है। और ये एक ऐसे समय पर है जब भारतीय प्रधानमंत्री अगले सप्ताह US की अपनी विजिट पर जाने वाले हैं। और UN में अपने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि की तरफ से कहा गया था कि ये जो मेमोरियल वॉल है ये इस बात का प्रमाण होगी कि संयुक्त राष्ट्र अपने शांति अभियानों को कितना महत्व देता है। और ये मेमोरियल वॉल लोगों को न केवल सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों की याद दिलाएगी बल्कि हमारे फैसलों के लिए चुकाई गई असली कीमत का लगातार स्मरण भी कराएगी। और ये तो आप सभी को पता ही होगा कि वर्तमान समय में UN पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज्यादा योगदान देने वालों के मामले में भारत 3rd नंबर पर है। और UNGA में भारत के इस प्रस्ताव को इतना बड़ा सपोर्ट मिलना तो ये वाकई में एक मेजर माइलस्टोन से कम नहीं है। और साथ ही ये पूरी दुनिया को ये भी याद दिलाता है कि वीरों का सम्मान कैसे किया जाता है वो आपको भारत से सीखना चाहिए और इसलिए गर्व से कहो हम भारतीय हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सूचित किया गया है कि नॉर्थ कोरिया द्वारा फायर की गई 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर उनके वाटर्स में लैंड हुई है। हालांकि फिलहाल किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की रिपोर्ट तो नहीं देखने को मिली है लेकिन मीडिया के साथ बात करते हुए जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि नॉर्थ कोरिया ने जो आज ये लॉन्च किए हैं तो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का उल्लंघन करते हैं और ये एक लापरवाही वाला कार्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ उकसावे को बढ़ाता है। और नॉर्थ कोरिया की इस हरकत पर जापान ने एक कड़ा विरोध दर्ज कराया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज एक दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिग्नल मैन अजय सिंह चौधरी वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर अजय सिंह जसरोटिया वीरगति को प्राप्त हुए थे और इन्हें भी मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आज का वो दिन है जब 2020 में गलवान वैली क्लैश में हमारे 20 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है, दुर्गा माता की जय, तो ये आर्मी के किस रेजिमेंट का वॉर क्राई है? समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।